से कार्य करना काशी की पुरातन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्रदान करना और साथ साथ इन तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज के अलग 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 तबके के लोगों को जोड़ करके उन कार्यक्रमों को एक नया स्वरूप प्रदान करके काशी और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस सभागार में हम एकत्र हैं तो सरदेव मालवीय जी की इस विरासत को सर्वविद्या की राजधानी काशी होगी तो यह कार्यक्रम भी उसी का एक मूर्त रूप है जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी काशीवासियों की ओर से प्रदेशवासियों की ओर से प्रदेश को भी और काशी को भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद देश की दुनिया की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद निरंतर अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब तीन चरणों में हुई काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता जिनमें 2 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, 5 आयु वर्ग में यह प्रतियोगिता थी, उसके विजयी टीमों को मैं पुरस्कृत करने का माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि इन्हें पुरस्कृत कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। टीम 1 में ओम सिंह, नैतिक मौर्य और शुभम मौर्य। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध इन्हें पुरस्कृत करने का। और दूसरी टीम के प्रतिभागी, विजेता प्रतिभागी, अनन्य जायसवाल, यश साहू और अदिति सिंह। ये 8th और 7th क्लास के बच्चे। इनके बाद दिव्यांशु, सांकृत, सानिध्य और श्रीकृति मिश्रा। ये थी टीम 3। जनरल ग्रुप से 4th टीम के प्रतिभागी हैं प्रदीप कुमार बिंद, श्याम यादव और प्रतिमा वर्मा। इनके बाद 5वीं टीम के प्रतिभागी, वेद प्रकाश मौर्य, हर्ष कुमार शर्मा और प्रियांशु पांडे। इसके बाद फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुई थी काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2 चरणों में। समर्थी काशी थीम थी, 6000 से ज्यादा प्रतिभागी थे जिनमें विजयी रहे अंश खत्री। ये काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजयी। सबसे संवाद भी करते माननीय प्रधानमंत्री जी। इनके बाद मार्जित भास्कर गुप्ता, मार्जित भास्कर गुप्ता। और इनके बाद शरद के नागर साहब। संस्कृत भाषा के विकास का
एक प्रयास काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के माध्यम से, जिसके विजयी स्वस्ति द्विवेदी। ये विजेता रही स्वस्ति द्विवेदी और इनके बाद तैयार है नवरत। नवरत नवरत और इनके बाद डीकेएस श्रीकांत राव जी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए जो छात्रवृत्ति दिलाई गई है उसके सांकेतिक रूप से वितरण के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से पुनः अनुरोध करती हूँ आशुतोष पति त्रिपाठी जी को चेक प्रदान करने का अनुरोध। और तारा देवी, और इनके बाद शिखा मिश्रा। छात्रवृत्ति के अलावा छात्रों को, टीचर्स को पुस्तकों का भी वितरण किया जाता है, जिनमें सांकेतिक रूप से वितरण के लिए श्रेष्ठा को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और आशीर्वाद प्राप्त करें माननीय प्रधानमंत्री जी से। श्रेष्ठा, इनके बाद सृष्टि उपाध्याय। सृष्टि उपाध्याय और श्री आनंद कुमार जैन जी, अध्यापक। श्री आनंद कुमार जैन जी, दो यूनिफॉर्म बच्चों को प्रदान करने का अनुरोध, जिनमें नवीन तिवारी और स्वर्ण निगम। इसी के साथ सांगीतिक वाद्यों का एक सेट प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसके लिए मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला जी और उनके छात्र मृदुल दीक्षित को आमंत्रित करती हूं आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वाद्यंत्रों का ये सेट, जिसमें हारमोनियम, ढोलक, एक जोड़ी तबला और खंजड़ी। विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए एक कॉफी टेबल बुक का सेट तैयार किया गया है, जिसके विमोचन का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ। इन कॉफी बुकलेट्स में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, काशी सांसद रोजगार मेला, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता। वाराणसी स्मार्ट सिटी और टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा काशी से संबंधित एक कॉफी टेबल बुक बनाई गई है, जिनके विमोचन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि इन दोनों कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। सच ही है, ना कभी देखा गया ना सुना गया,
जमीन से जुड़कर कोई राजनेता इस तरह देश के साथ खड़ा हो। बहुत जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आज हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र जी, राज्य सरकार के मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विद्वज्जन, प्रतिभागी साथियों, देवी और सज्जनों, आप सब परिवार के लोगों के हमार प्रणाम। महामना के इस प्रांगण में आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों को भी बधाई देता हूं। जो युवा सफलता से कुछ कदम दूर रह गए, कुछ तो होंगे जो चार पे आके अटके हुए होंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला
हर कोई बधाई के पात्र है। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदर पूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशीवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंदमय है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के हमारे परिवार के लोगों के लिए करोड़ों रुपया के योजना का लोकार्पण होता है। शिवरात्रि और रंग भरी एकादशी पहले काशी में आज विकास का उत्सव मने जाता है। अभी मंच पर आने से पहले मैं काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता की गैलरी देख रहा था। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है ये आप सभी ने साक्षात देखा है। मैं सही बोल रहा हूं ना? तो आप बताएं तो पता चले भाई, सचमुच में जो कह रहा हूं सही है? बदला है, संतोष है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने तो पहले वाली काशी देखी ही नहीं होगी, उनको तो आम बात बढ़िया काशी दिख रही होगी। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है और यही काशी के लोगों का सम्मान है, यही महादेव की कृपा की ताकत है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। इसीलिए बनारस में जब भी कुछ सब होला
लोग हाथ उठा के बोलवरन नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। यहां साधना भी होती थी, शास्त्रार्थ भी होते थे, यहां संवाद भी होता था, शोध भी होता था। जहां संस्कृति के स्रोत भी थे, साहित्य संगीत की सरिताएं भी थी। इसलिए आप देखिए, भारत ने जितने भी नए विचार दिए, नए विज्ञान दिए, उनका संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक केंद्र से है। काशी का उदाहरण हमारे सामने है। काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहां से बोध मिला है। पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज इसके लोग काशी आकर बसे हैं। जिस एक स्थान पर ऐसी विविधता होती है, वहीं नए विचारों का जन्म होता है। जहां नए विचार पनपते हैं, वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है।